आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की कतलियों की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है टमाटर दो, एक प्याज ली है जिसे बारीक बारीक काट लिया है। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अखा धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 8 से 9 जीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। मसाले को हल्का दरदरा रखना है। आलू को मैंने गोल शेप में काट लिया है, इसे थोड़ा इतना मोटा रखना है। एक पैन में 2 स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ऑयल में भून लेंगे। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी प्याज के साथ में थोड़ा भून लेंगे। अब मैं इसमें मसाला डाल दूंगी जो मैंने पीसा था। अब इसे भी थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे टमाटर और प्याज के साथ में। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए प्याज और टमाटर में। 4 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और इसे ढक करके रख दूंगी स्लो आंच पे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए 5 मिनट के लिए। टमाटर एकदम अच्छी तरीके से गल गए हैं। अगर हल्के से हम इसे स्मैश करेंगे तो ये अच्छी तरीके से स्मैश हो जाएंगे, यानी ये पूरी तरीके से गल चुके हैं। इसे थोड़ा 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियों को भी मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे पानी 1 गिलास भर के और इसे ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए 10 मिनट के बाद में। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू एकदम अच्छी तरीके से गल चुका है, आराम से टूट गया है। अब आलूओं को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसे मिलाते हुए। कलर देखिए कितना अच्छा शानदार आया है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। अब हरा धनिया डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूंगी। आलू की कतलियां बनकर तैयार है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए।